दोस्तों बेबाक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया और इस बेल आइकन को दबाकर खबरें पाएं सबसे पहले। नॉट ए पर्सन, ये पप्पू। राहुल गांधी इसलिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को सही ढंग से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। नरेंद्र मोदी। राहुल गांधी का काम है डायरेक्शन देना। नरेंद्र मोदी को दोबारा सहना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 2019? नरेंद्र मोदी। हाँ जी सर, बताइए क्या लगता है कौन जीतेगा 2019 का चुनाव? राहुल गांधी इसलिए नहीं, क्योंकि कांग्रेस अपने आप को सही ढंग से प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। उसके जो भी स्ट्रेटजी है उसमें बहुत सारी कमी है। ऑन द अदर साइड अगर हम नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनकी पार्टी, खासकर उनके स्ट्रेटजी जो बनाते हैं अमित शाह, उन्होंने इसमें अच्छे तरीके से बीजेपी को प्रमोट किया है, और सिर्फ वन मैन नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे बीजेपी को इस तरीके से प्रमोट किया है कि उनकी जो बुराइयां भी हैं ना पीछे छिप गई हैं, और अपने काम को उन्होंने बहुत अच्छे से एडवर्टाइज किया है। नरेंद्र मोदी क्यों? रीज़न उनका बेस स्ट्रांग है एंड उन्होंने अपने आप को पहले भी प्रूव करके दिखाया है, जो गुजरात में, दिल्ली में भी अच्छा काम कर रहे हैं। बट अच्छी चीज़ को समझने के लिए लोगों को टाइम लगता है, समटाइम आपको क्रिटिसाइज भी किया जाता है, बट ही सर्वाइविंग एंड वन डे ही विल विन। नरेंद्र मोदी। अभी जो भी काम हो रहा है इस प्रोजेक्ट को अच्छा हो रहा है, तो इतना खस्ता हाल में मिला है तो एकदम से जादू की छड़ी तो है नहीं कि सब बदल जाए। चाहिए आपको तो मोदी ही आपको चाहिए, मोदी के अलावा। राहुल गांधी नॉट ए पर्सन, ये पप्पू। नरेंद्र मोदी, वो जीतने का रीज़न ये होगा कि वो अभी जो भी कार्य वो कर रहे हैं वो जनता के भलाई के लिए ही कर रहे हैं, और आगे भी जो भी करेंगे वो जनता के भलाई के लिए ही करेंगे। राहुल गांधी का काम है सिर्फ डायरेक्शन देना, बस दूसरों के काम में दखलंदाजी डालना और बिगड़न डालना, और कुछ नहीं। हमारी सबकी आशाएं हैं कि नरेंद्र मोदी देश में सुधार ला सकते हैं, क्योंकि सबको अलग अलग मौका मिला है, तो इस बार हमने चुना है नरेंद्र मोदी को, तो आशा करते हैं कि नरेंद्र मोदी ही देश में सुधार लेके आ सकते हैं, तो वो लेके आएंगे। नरेंद्र मोदी क्यों? क्योंकि जो काम हो रहा है विकास की तरह हो रहा है। अभी हम लोग तो मतलब छोटे मोटे रोजगार करते हैं, लेकिन हमको तो मतलब आर्थिक मंदी है, लेकिन आने वाले समय में ठीक हो जाएगा जो प्रगति हो रही है। सबसे पहली बात तो ये है, बिहार में अभी बाढ़ आ चुके हैं काफ़ी, और कोई भी नेता ऐसा नहीं है कि जो अभी बचत करे सही से। अगर मान के चलिए जो बचत करेगा इसमें देखेंगे, जो अच्छे काम कर रहा है उसको हम चुनेंगे, ऐसे किसको हम बताएं, किसको बताएं उसको तकलीफ, जो मेहनत करेगा उसी को चाहेंगे। हाँ, अभी देखिए जो हो चुका है उसके लिए नहीं बता सकते, जो होने वाला है अच्छाई जिसका देखेंगे उसको चाहेंगे हम। तो 2019 चुनाव हुआ है, हाँ वो मोदी जी देगा, क्योंकि एक्चुअली जो हमारे लिए वो मेक इन इंडिया कर रहे हैं, इंडिया के लिए जो कर रहे हैं काफ़ी बेटर है, आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा है, जो एम्प्लॉइज है काफ़ी अच्छा है, हमारे देश के लिए काफ़ी बेटर रहेगा। तो हम लोग सपोर्ट, आई विल सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी को दोबारा सहना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए बहुत किया है और इंडिया का नाम ग्लोबल लेवल पे बहुत ऊपर तक ले गए हैं, तो इस हिसाब से नरेंद्र मोदी को दोबारा से एक बार मौका देना चाहिए। नरेंद्र मोदी जीतेगा, क्योंकि बिहार में उसी का सत्ता आ गया, यहाँ भी वही है, नोटबंदी कर अच्छा ही काम कर रहा है जो भी किया अभी तक नरेंद्र मोदी, अगले बार भी नरेंद्र मोदी ही आएगा। सर आपको क्या लगता है कौन जीतेगा 2019? नरेंद्र मोदी, क्योंकि वो अच्छा काम कर रहा है, राहुल गांधी से बहुत अच्छा काम कर रहा है, GST आ गई बहुत अच्छा है, GST इंडिया की ग्रोथ के लिए। 2019 का चुनाव राहुल गांधी वर्सेस नरेंद्र मोदी। कैंडिडेट बनेगा वो नहीं जीत सकता, क्योंकि उसके जो भी स्पीचेस होते हैं वो ऑफ द वे होते हैं और टू द पॉइंट नहीं होते, और वो मुझे लगता है कि पूरे कंट्री को हैंडल कर सकता है। जबकि मोदी मतलब इकोनॉमी को अगर देखा जाए तो वो स्टेबल है अभी, GDP भी बढ़ रहा है इंडिया का, तो आई थिंक मोदी विल। बिकॉज अभी 2 साल पेंडिंग है, क्या क्या वर्क होने हैं और क्या क्या प्रोग्रेस होगी ऑब्वियसली उस पर डिपेंड करेगा। और बेसिकली अभी का जो रिपोर्ट देखा जाए, पिछले 2 साल में जो BJP ने कदम उठाए हैं, इट्स मीन्स नोटबंदी, सरकार नोटबंदी एंड सरकार GST,
इट्स प्रोग्रेस रिपोर्ट. ओवरऑल इट इज़ ए वेरी 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 गुड रिपोर्ट. सो आई एम ए फुली सपोर्टर ऑफ बीजेपी एंड होप बीजेपी विन 2019 चुनाव. हाँ जी सर, बताइए क्या लगता है कौन जीतेगा 2019 का चुनाव? तो मोदी जीतेंगे. और वो क्यों जीतेंगे? बोल्ड डिसीजन लेते हैं, जो कुछ करते हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं. एक बहुत टाइम बाद एक ऐसा नेता आया जिसको देना चाहिए, दिल से सपोर्ट करना चाहिए सबको. तो आप सपोर्ट देते 2019? यस, मैं देता हूँ. मेरे साथ सारे सारे फ्रेंड देते हैं. क्या लगता है नरेंद्र मोदी का होना चाहिए? राहुल गांधी की बस की नहीं है चलाना. नरेंद्र मोदी ने अब तक भी अच्छा किया है, तो मे बी नेक्स्ट इलेक्शन में भी अच्छा करेगा. नरेंद्र मोदी इसलिए है क्योंकि इस समय नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है. 2019 में पीएम भी नरेंद्र मोदी बने.